अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। आइए सज्जनों, मेरे प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, श्रीमद् भागवत गीता का सत्संग सदैव सुखकारी है, उत्तम सुख की प्राप्ति कराने वाला है। जो इस सत्संग में नियमित आ रहे हैं, सुन रहे हैं, धन्य है। अर्जुन की बात है, अर्जुन धन्य है जिनके सखा बनकर के स्वयं नारायण, जिनके रथ के सारथी बन के स्वयं नारायण उपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश करते हुए छठे अध्याय ध्यान योग में कह रहे हैं, श्लोक 27 संख्या में, प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अखलम। योगी का जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है ध्यान करते करते, कहिए कि जब योगी कैवल्य समाधि को उपलब्ध हो जाता है मीराबाई की समाधि लग गई थी। समाधि का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आदमी एक जगह बैठा रहे तभी समाधि मानी जाती है, नहीं, मीराबाई के पांव में तो घुंघरू थे, वो तो एक जगह बैठती नहीं थी, वो तो गांव से गांव, गोकुल से वृंदावन, पांव में घुंघरू बंधे हुए हैं, हाथों में एक तारा है और भगवान का गीत मुख में है, नाचती है गाती है जगह जगह, एक जगह नहीं, वृंदावन मथुरा से बरसाना नंदगांव से गोकुल इत्यादि नगर गांवों से निकलते निकलते द्वारकापुरी भी पहुंच गई। वो एक जगह नहीं बैठी मीराबाई, मीराबाई तो खंबा के टेका लगा के घंटों द्वारकाधीश के दर्शन करती, कभी नाचती थी, कभी रोती थी, कभी गाती थी, कभी महाभाव में लंबी लेट जाती थी, भगवान उठती नहीं घंटे। ये सब समाधि है, ये भी समाधि है कि ध्यान अवस्था में ध्यान योगी बैठ करके एक दिन दो दिन तीन दिन 30 दिन समाधिस्थ हो जाए। शंकर भगवान तो बड़ी लंबी समाधि लगाते, हजार हजार वर्ष तक समाधि में चले जाते समाधिस्थ हो जाते। भगवान के जो कर्म करते हैं, अम्बरीश महाराज जैसे चक्रवर्ती सम्राट सदैव राजपाट संभालते हुए भी समाधिस्थ हैं, चैतन्य महाप्रभु समाधिस्थ हैं, नाचते हैं गाते हैं उपदेश करते हैं जीवों को जगाते हैं,
कंप्लीट समाधिस्थ है। संसार से जो विड्रॉ कर लेता है अपने आप को और मैटेरियल वर्ल्ड से जो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है और इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट हो जाता है वो समाधिस्थ है। प्रशांत मन समहीनम योगिनम सुखम उत्तमम। जो योगी प्रशांत होकर के समाधिस्थ हो जाते हैं, भगवान की सेवा में आरूढ़ हो जाते हैं, उनको ही उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। उनके ही रजोगुण तमोगुण शांत हो जाते हैं और उनको ही ब्रह्मभूतम अकल्मषम वो ब्रह्मभूत सच्चिदानंद आत्मा स्वरूप से इलाइटेंड हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार करके वो अपने सारे कलमस पापों को जला डालते हैं। हे अर्जुन, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपायति शांत रजसम ब्रह्मभूतम एकलमशम। आगे भगवान ने कहा है इस श्लोक का, पिछले सत्संग प्रवचन माला में उपदेश किया था, इसके आगे भगवान कहते हैं युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कलमसह सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्म। पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि उत्तम सुख की प्राप्ति होती है जब योगी अपनी मन को शांत कर लेता है पूरी तरह से इंद्रियों के साथ और ध्यान अवस्था में कैवल्य समाधि को उपलब्ध हो जाता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, सारे पाप जल जाते हैं उसके, रजोगुण तमोगुण शांत हो जाते हैं। अभी आगे भगवान कह रहे हैं कि अत्यंतम सुखम अश्नुते। अत्यंतम बोले तो अपार सुख, अपार सुख की प्राप्ति होती है योगी को जब वो आत्म साक्षात्कार करके परमात्मा के भी साक्षात्कार कर लेता है, कहिए कि परमात्मा का स्पर्श कर लेता है, अनुभव कर लेता है जो अपनी आत्मा के अंदर ही छुपे हुए हैं, तब उसे अपार अनलिमिटेड प्लेजर्स अपार आनंद के खजाने खुल जाते हैं। वो आनंदमयी होता है, उसका आनंद कभी कोई छीन नहीं सकता। फिर परमात्मा से उसका तारतम्य जुड़ चुका होता है, फिर वो परमात्मा को नहीं बुलाता। जिसने अथाह सागर का आनंद लिया हो, वो छोटे से कटोरे भरे पानी में या शीशे में बंद पानी में वो मछली कैसे आनंदित होगी? नहीं, जिसने अटलांटिक महासागर का आनंद लिया हो जिस मछली ने, वो क्या करेगी तुम्हारे शीशों में आकर के? तो ऐसा योगी उस परमानंद में लीन हुआ कभी वापिस रिटर्न नहीं होता संसार में, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जिसने अपार आनंद की अनुभूति कर ली है। जिसने जान लिया है कि रस वर्जम रसो अप्यश, ये तुच्छ भोगों में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ कह देने से नहीं, उसने उन उच्चतम भोगों की, उच्चतम शिखर के आनंद की अनुभूति कर ली है, उन्होंने उस पुरुषोत्तम के दर्शन कर लिए हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं, उनके चरण स्पर्श कर लिए हैं, तभी उसको अपार आनंद की अनुभूति हुई है। अब वो कैसे वापिस उतरेगा? नहीं, वो संसार में जन्म मरण जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है,
कभी वापिस लौट के नहीं आता इस संसार में। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्म सहा। जब योगी अपने आत्मा के साक्षात्कार करके पूरी तरह से संसार के पापों को जला डालता है, फिर भी वो सतत युंजन एवं सदात्मानम, सतत परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग साधना में सिद्ध अवस्था में उस प्रभु का ध्यान करता रहता है कि प्रभु अब मुझे आप भी तो दर्शन दो, ये तो मैं जान गया कि मैं आपका अंश हूं, आप अंशी हैं, अब मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ये बात, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मने सष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। हे अर्जुन, ये अनंत ब्रह्मांडों में जितनी भी आत्माएं हैं ये मेरे अंश हैं, मैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं इनका बीज देने वाला पिता हूं, आदि पुरुष हूं, नारायण हूं, गोविंद हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब योगी आत्म साक्षात्कार करके भी सतत ध्यान में और मेरी सेवा में नियुक्त रहता है, तब एक दिन वह मेरा भी स्पर्श कर लेता है, मेरा भी अनुभव कर लेता है, मुझे छू लेता है, तब उसे अत्यंतम सुखम अश्नुते, तब उसे अत्यंतम जिसकी कोई सीमा नहीं, अति अंतम जिसका अंत नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति हो जाती है उस योगी को। युंजन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ब्रह्म यानी यहां पर परमात्मा शब्द से है, जब परमात्मा का स्पर्श कर लेता है योगी, अपनी आत्मा के अंदर छुपे हुए परमात्मा का, भगवान विष्णु का जब स्पर्श हो जाता है, जब उनके चरण कमल के दर्शन हो जाते हैं, उनका स्पर्श हो जाता है, तब अनंत सुख की अनुभूति होती है। ध्रुव महाराज को दर्शन दिए थे एक बार, ध्रुव महाराज एक टांग पर जमुना जी के किनारे बीहड़ जंगलों में खड़े होकर के भगवान का भजन करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सारी सिद्धियां माया मोह संसार के खजाने ब्रह्मांडों सब हार गए, लेकिन उनको नहीं हरा सके, उन्होंने लगातार भगवान का भजन किया। और जब भगवान प्रकट हुए उनके हृदय में, जब भगवान के दर्शन हुए, भगवान का स्पर्श हुआ, तो उनको अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई, तो उनसे रहा नहीं गया कि जो मैं भगवान को अंदर देख रहा हूँ चतुर्भुज रूप में विष्णु स्वरूप से, क्या ये बाहर भी है या अंदर ही अंदर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आंखें खोल दी, आंखें खोली तो विष्णु भगवान सामने ही खड़े हैं, शंख चक्र पदा पद्म गदा लेकर के। प्रहलाद ध्रुव महाराज उनके दर्शन करके बड़े आनंद, झुक के प्रणाम तो किया लेकिन मुख से कुछ शब्द नहीं निकले। 5 वर्ष की अवस्था के बालक थे, गए भी क्या, न कभी उन्होंने कोई प्रार्थना सीखी थी, न कोई वेद पढ़े थे, न कोई श्लोकों का ज्ञान था। छोटी अवस्था में बच्चे को कुछ ऐसा अनुभव नहीं होता है, और ये छोटी अवस्था के बच्चे हैं जिनको केवल तोतों की तरह शास्त्र रटा दिए गए हैं या रट लिए हैं। तोते तो शायद उड़ भी जाए लेकिन ये तो उड़ नहीं सकते इस प्रकार से, केवल रटत विद्या से।
इससे तो केवल अहंकार ही इकट्ठा होता है कि मैं इतने शास्त्र जानता हूँ, गीता कंठस्थ है, वेद कंठस्थ है, उससे क्या होता है? कंठस्थ होने से क्या होता है? प्रभु का प्रेम तुम्हारे हृदय में नहीं आया, प्रभु के प्रति सेवा जागृत नहीं हुई, प्रभु के बने नहीं, प्रभु को, प्रभु की शरण ली नहीं, तो तोता रटन से क्या होता है? तोता तो बेशक उड़ भी सकता है, आप जो ये बड़े शास्त्रज्ञ हैं, तर्क वितर्क के माहिर लोग, ये भगवान का प्रेम जब तक इनके हृदय में नहीं होगा कैसे उड़ेंगे? असंभव। लेकिन विष्णु भगवान तो जानते हैं आपके सबके मन की भगवान तो सभी के हृदय की जानते हैं, आपके हृदय में बैठे हैं, आपसे सुपीरियर एनर्जी है, आपके स्मॉलेस्ट छोटे से छोटे विचार को भी भगवान पकड़ लेते हैं और पकड़ ही नहीं लेते, उसका प्रतिफल भी देते हैं। ध्रुव महाराज के विचार जान गए कि बच्चा कुछ मेरी वंदना में कहना चाहता है लेकिन जानता नहीं। भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज के गाल को शंख लगा दिया, छुआ दिया, बस छुआने से उनको सारा वेदों का ज्ञान, सारे शास्त्रों का ज्ञान, श्लोकों का ज्ञान, श्रुति पुराणों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान उदय हो गया एकदम, और वो बड़े सुंदर श्लोकों में भगवान की वंदना करने लगे। ऐसे ही है, जब योगी को परमात्मा का स्पर्श हो जाता है, संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अशांति, तब उसको अत्यंत सुख की, अत्यंत सुख जिस सुख की सीमा नहीं, ऐसा सुख, ऐसा आनंद की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। तो हम संसार में रहने वाले जीव इन उपदेशों का थोड़ा भी अपने जीवन में उतारण करें, उतारें, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों पर भी हम ध्यान पूर्वक ध्यान से करने लगे, बिल्कुल छोटी छोटी, खाते हैं तो ध्यान पूर्वक खाएं, नहाते हैं तो ध्यान पूर्वक नहाएं, चलते हैं मार्ग में तो ध्यान पूर्वक चलें, मिलते हैं, बातें करते हैं, काम करते हैं तो ध्यान पूर्वक करें, ये तो सबसे छोटी बातें हैं, इन छोटे छोटे ध्यान हैं, इन छोटे छोटे ध्यानों से एक दिन व्यक्ति जब इसका आनंद अनुभव होने लगता है छोटी छोटी क्रियाओं का, तो बड़े आनंद की ओर स्वतः ही मुड़ने लगता है। तो निम्न स्तर से भी हम चलने लगेंगे तभी तो ऊपर पहुंचेंगे। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए क्या एवरेस्ट की चोटी के पास से चढ़ोगे? नहीं, नीचे से ही चढ़ना पड़ेगा, हजारों फुट नीचे से चढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही पहले ही नीचे के ध्यानों में आप अटेंशन दीजिए, आप बात कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक करते हैं कि आप बोल रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं, और क्या वो वास्तव में आपकी आत्मा को खुश करने वाली चीज है, आपके मन को प्रसन्न करने वाली वस्तु विषय बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं वो ध्यान पूर्वक कर रहे हैं और काम कर रहे हैं उससे आपको लाभ है जीवन में या नुकसान है, ये काम आपको नीचे की ओर ले जाता है या ऊपर की ओर ले जाता है, ये सम्मान दिलाता है या अपमानित करता है, ये स्वर्ग की ओर ले जाने वाला है या नरक की ओर ले जाने वाला है, कुछ तो ध्यान दीजिए। इस संसार की क्रियाओं में ध्यान ध्यान ध्यान
ध्यानान्वित हो जाइए। छोटे छोटे ध्यान कीजिए आप। जूते पहनते तो क्या आप बराबर ध्यानपूर्वक प्रेजेंट होकर के वर्तमान में आप उनके सड़ू लगाते हैं, बांधते हैं, लेस बांधते हैं या पहनते हैं? या घर में एंट्री करते हैं तो क्या दरवाजे में आप अवेयरली जागृत अवस्था में होशपूर्ण घर में पहुंचे चल करके आनंद मुदित हृदय अपनी बच्चों से मिलने, पत्नी से मिलने, माता पिताओं से मिलने? आप जागे जागे पहुंचते हैं घर पर या सोए सोए हैबिट वॉश पहुंच जाते हैं? ऐसा तो नहीं, नहीं जाग जाइए। आप ध्यानपूर्वक कीजिए अपने कर्तव्य को भी, अपनी स्नान को भी, अपने भोजन को भी, अपने वस्त्र धारण को भी, अपने शू धारण को भी, अपनी वॉकिंग को भी ध्यानपूर्वक वॉकिंग कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा कदम कहाँ गिर रहा है, गलत जगह तो नहीं गिर रहा है, मैं चल रहा हूँ तो किसी दूसरों को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, मैं मुड़ रहा हूँ तो क्या ध्यान से मुड़ रहा हूँ या मुड़ गए और चल दिए लाल लाइट पर? छोटे छोटे ध्यान क्रियाओं से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आपका ध्यान मेटेरियल ऑब्जेक्ट से स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स पर पहुंच जाए एक दिन, तब आपको सच्चा आनंद आने लगेगा। लेकिन छोटे छोटे ध्यान क्रियाओं पर भी आपको आनंद अनुभूति होगी और ये छोटी छोटी आनंद अनुभूति बड़े आनंद से मिलाएगी। ऐसे जैसे कभी किसी हलवाई से कोई बर्फी लेना चाहे और कहता है भैया थोड़ा टुकड़ा चखाना, तो हलवाई छोटा सा टुकड़ा निकाल के चखाता है, लेकिन आपको जब उसका स्वाद आने लगता है, ये तो गले से नीचे भी नहीं उतरा, छोटा सा टुकड़ा था, ये स्वाद तो आया, तो फिर आप भरपूर स्वाद लेना चाहते हैं, तो फिर बोल दे तोल दे भैया एक किलो तोल दे। ऐसे ही है, आप ध्यान करोगे अपनी जीवनचर्याओं पर तो जीवनचर्याओं के ध्यान करते करते और आत्मिक चर्या तक पहुंच जाओगे, आत्मा तक पहुंच जाओगे, अपने आप को पालोगे। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का मर्म और रहस्य है। धीरे धीरे शनै शनै पिपील का सौयोजन गतः, धीरे धीरे एक चींटी भी सौयोजन चली जाती है। तो आप तो मनुष्य हैं, चींटी नहीं, तो आप धीरे धीरे भी चलोगे तो ये झंझावात से कुछ तो सुलझोगे, झंझटों से कुछ तो उभरोगे, कुछ तो बेड़ियां ढीली पड़ेंगी, कुछ बंधन कच्चे पड़ेंगे, और एक दिन अभ्यास करते करते सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप मंजिल को पालोगे, आप अपने आप को पहचान लोगे, आप उत्तम सुख के आनंद के अधिकारी बनोगे। और जब एक दिन अपने आप को पाकर के और उस परमात्मा को भी पहचान लोगे, उनके भी स्पर्श आपको हो जाएंगे, उनके चरणा स्पर्श हो जाएंगे, उनकी अनुभूति हो जाएगी, तब आपको आत्यंतिक सुख सुखम अश्नुते, तब आपको अपार सुख का भंडार खुल जाएगा, अपार आनंद आपको मिल जाएगा। संसार की ओर दौड़ोगे तो दुख मिलेंगे और परमात्मा की ओर दौड़ोगे तो सुख मिलेंगे। काम क्रोध मद मोह नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के दरवाजे ही कहे हैं।
काम है, बड़ी बड़ी इच्छाएं संसार को भोगनी, क्रोध है, क्रोध को आने से पहले जो पहचान लेता है वो बड़ा सुखी रहता है, आ जाने पे पहचानता है वो सेकंड दर्जे पर है, दूसरे दर्जे पर है। लेकिन क्रोध कर लिया और उसके बाद पहचाना, दो घंटे बाद, छह घंटे बाद, और फिर पछताना पड़ा, पछताना ही पड़ेगा। क्रोधी को तो पछताना ही पड़ता है, क्रोध तो जला देती है आदमी, चित्त भंग हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ब्रेन के सेल्स जलते हैं क्रोध से। Thank you.